नमस्कार। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग आईने अकबरी से आप क्या समझते हैं या आईने अकबरी क्या था, इसे इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। जो आईने अकबरी है उसे मुगलिन गजेटियर की संज्ञा दी जाती है, उसे का गजेटियर कहा जाता है, क्योंकि इस पुस्तक में मुगल काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कृषि संबंधित विभिन्न क्षेत्रों का इसमें वर्णन किया गया है। और अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, उन नवरत्नों में से एक थे अबुल फजल, जो उनके दरबारी इतिहासकार भी थे और साथ ही साथ दरबारी भी थे। तो अकबर ने अपने शासनकाल में उन्हें अबुल फजल को ये जिम्मा दिया गया था कि अकबर के जीवन परिदृश्य को, यानी कि उनके जीवन से संबंधित सारे घटनाक्रमों को एक पुस्तक के रूप में लिखने का उत्तरदायित्व तो उन्हें सौंपा गया था। तो उनके दरबारी कवि अबुल फजल ने उसे आईने अकबरी की रचना की थी। लेकिन जो आईने अकबरी है वो अकबरनामा के रूप में लिखा गया। सबसे पहले अबुल फजल ने जो अकबरनामा की रचना की, अकबरनामा में अकबर के जीवन परिदृश्य को पूरा दिखाया गया है, उनके पूरे घटनाक्रम को, उनके शासनकाल के पूरे घटनाक्रम को उसने दिखाने का प्रयास किया है। चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक हो, राजनीतिक हो, हर क्षेत्र विशेष उसने जो कुछ भी देखा, सुना, समझा और उनके दरबार में रहने के पश्चात उसने जो एक पुस्तक का रूप दिया, जो लिखा, उसे अकबरनामा कहा गया। माने कि अकबर के पूरे जीवन परिदृश्य को उसने लिखने का प्रयास किया। जिस प्रकार से मुगल बादशाह बाबर ने बाबरनामा लिखा था, उसी प्रकार से अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अकबरनामा तीन भागों में विभक्त है। अकबरनामा तीन भागों में विभक्त है। जो अबुल फजल ने इस अकबरनामा की जो रचना की, ये अकबरनामा तीन भागों में विभक्त किया गया है। और अकबरनामा का जो प्रथम खंड है, मैंने पहला भाग जिसको हम लोग पहला कहेंगे, ये प्रथम खंड में अकबर के पूर्वजों, अकबर के जन्म तथा अकबर के शासनकाल के 17वें वर्ष तक का इतिहास उसमें लिखा गया है। जो अबुल फजल ने जो लिखा अकबर के पूर्वजों के बारे में लिखा प्रथम खंड में, कि उनके पूर्वज कौन थे, किस प्रकार के थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य को उसने लिखने का कार्य किया, साथ ही साथ अकबर के जन्म तथा अकबर के शासनकाल के 17वें वर्ष के इतिहास तक, मतलब 17 वर्ष जो उन्होंने शासन किया, 17वें वर्ष तक के इतिहास को उसमें स्थान दिया गया है। तो प्रथम खंड में ये इन सारे चीज़ों को लिखा गया है। अबुल फजल ने इसे लिखने का प्रयास किया है। और जो द्वितीय खंड है, इसमें अकबर के शासनकाल के 17वें वर्ष से लेकर के 46वें वर्ष तक, यानी कि 46वें मतलब 1602 तक, यानी कि शासन 46वें वर्ष तक का इतिहास उसमें लिखा है, मतलब 1602 ईस्वी तक का इतिहास द्वितीय खंड में लिखने का प्रयास किया है अबुल फजल ने। मतलब अकबर के शासनकाल के 17वें वर्ष से लेकर के जो प्रथम खंड में 17वें वर्ष तक लिखा, 17वें वर्ष के पश्चात द्वितीय खंड में उसने 17वें वर्ष से लेकर के 46वें वर्ष, यानी कि 1602 तक का इतिहास इसमें लिखा गया है द्वितीय खंड में। और जो तीसरा जो खंड है, इसे आईने अकबरी के रूप में जाना जाता है। जो आईना है, मतलब अकबर काल के, अकबर के पूरे जीवन परिदृश्य को जानने का या अकबर काल को अच्छे तरीके से जानने का यदि कोई मुख्य रूप से स्रोत है तो वो आईने अकबरी है। इसलिए उसे आईना के समान कहा गया है। अकबर का वो आईना है। आईना में जिस प्रकार से हम वास्तविक चीज़ों को जानने देख पाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, किस प्रकार से हम दिखते हैं, पूरे आईना हमें वास्तविक रूप को दिखाने का प्रयास करता है। उसी प्रकार से अकबर के जीवन परिदृश्य और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, उन्होंने जो भी कार्य किए शासनकाल से संबंधित, उन चीज़ों का आईना के रूप में आईने अकबरी है। इस कारण से इसे आईने अकबरी कहा जाता है। ये इन गजेटियर की भी संज्ञा दी जाती है आईने अकबरी को। इसको गजेटियर की संज्ञा दी गई है क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और उनके
जो भी साम्राज्यवाद नीति था, चाहे जो भी नीतियाँ थी, उन सारे चीज़ों का विवरण आईने अखबारी में देखने को मिलता है। इस काल में समस्त नियम, जो अकबर के काल में जो भी नियम कानून व्यवस्थाएं उन्होंने की थी, राज संबंधित यानी कि शासन काल से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं उन्होंने किया था, उन सारे चीज़ों को इसमें आईने अखबारी में लिखा गया। और अकबर ने जो शासन चलाने के लिए जो भी नियम कानून बनाए थे, जो भी व्यवस्थाएं की थी, उन सारे व्यवस्थाओं को आईने अखबारी में लिखा गया है। तो अकबरनामा के तीन भाग। प्रथम भाग में, प्रथम खंड में अकबर के पूर्वज और अकबर के जन्म और जन्म से लेकर के अकबर के 17वें साल तक का विवरण दिया गया है। और जो द्वितीय जो खंड है, सेकंड जो खंड है जिसको कहते हैं द्वितीय भाग में उसके अकबर के शासनकाल के 17वें वर्ष से लेकर के 46वें वर्ष यानी कि 1602 ईस्वी तक का उसमें इतिहास मिलता है। और जो तृतीय खंड है अकबरनामा का, तीसरा भाग ही आईने अखबारी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें अकबर के सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सारे क्षेत्रों का उसमें विवरण मिलता है। उनका शासनकाल से संबंधित जो भी घटनाक्रम हुए थे, उन सारे चीज़ों का उसमें विवरण दिया है। इसी को आईने अखबारी के नाम से जाना जाता है। तो अब हम आईने अखबारी को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। जो ये आईने अखबारी है, यह आईने अखबारी 5 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 5 भागों में इसे बांटा गया है। और उसके 5 भाग है, उसके 5 खंड है। तो प्रथम खंड या प्रथम भाग में शाही घराने का वर्णन है। उसमें राजशाही, राज परिवार से संबंधित जो भी उसमें, जो राज दरबार में किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी राज घराने का, इसका वर्णन है। विभिन्न जो विभाग थे, क्या क्या विभाग हुए थे, प्रमुख विभाग क्या क्या थे, इन विभागों का विवरण किया गया है। शाही टकसाल, जहाँ पर जो शाही मतलब हुआ राज दरबार के जो राजा महाराजा लोग, दरबारी बादशाह लोग होते थे, उन लोगों का जो टकसाल होता था, जहाँ नोट सिक्के वगैरह सब का ढलाई का काम किया जाता था, बनाने का काम किया जाता था, उस शाही टकसाल का विवरण दिया गया है। खाद्यान्नों का मूल्य भी दिया गया है इसमें, खाद्यान्न किस पर कितने मूल्य में बिकता था, कितने उनके दाम हुआ करते थे, इनका विवरण प्रथम भाग में है। साथ ही साथ कारखानों में निर्मित वस्तुओं की कीमत कितनी थी, किन वस्तुओं का दाम कितना था, कितना वस्तुओं कारखाने में जो भी वस्तुएं निर्मित होती थी उनका दाम किस प्रकार से होता था, इनका विवरण उसमें दिया गया है। साथ ही साथ शाही अस्तबल, जो अस्तबल जो राज दरबार के यानी कि बादशाहों के जो घोड़े हुआ करते थे, उन घोड़े के रखने के लिए जो स्थान होता था उसे शाही अस्तबल कहा जाता था। तो शाही अस्तबल का भी विवरण है। साथ ही साथ शस्त्रागार, जहां शस्त्र और अस्त्रों को रखा जाता था जिस स्थान विशेष पर, उसे शस्त्रागार कहते थे। तो उन शस्त्रागार संबंधी जो भी विवरण थे, उन सारे चीज़ों का विवरण प्रथम भाग में दिया गया है। जो आईने अखबारी का जो प्रथम भाग है उसमें इन सारे चीज़ों का विवरण दिया गया है। अब जो आईने अखबारी का जो दूसरा भाग है, जो दूसरे भाग में मुगल सैन्य व्यवस्था का, जो मुगलों के जो सैन्य व्यवस्था थी किस प्रकार की थी, किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई थी, मनसबदार से लेकर के सारे चीज़ों का यहाँ पर विवरण इसमें दिया गया है। सैन्य व्यवस्था का विवरण इसमें मिलता है द्वितीय भाग में। इसके अतिरिक्त इसमें जो दान की गई जो जमीन था, जो राजा महाराजा लोग जो दान करते थे जमीन, उन दान की गई जमीनों का भी विवरण इस द्वितीय भाग में मिलता है। साथ ही साथ जो वेतन, जो भत्ते देने की प्रथा थी, जो भत्ता दिया जाता था, उन भत्ते देने की प्रथा का भी विवरण इसमें मिलता है। साथ ही साथ उस समय में जो मनसबदारों की जो मनसबदारी व्यवस्था थी, उन मनसबदारी व्यवस्था को भी इसमें बताया गया है। मनसबदारी व्यवस्था को हम अगले किसी अन्य वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। एक मनसबदारी व्यवस्था एक प्रकार का एक पद हुआ करता था, जो राजा या बादशाह जो हुआ करते थे वो अपने मंत्रियों को दिया करते थे, जो सैन्य विभागों को विभिन्न प्रकार से वो सम्मिलित रूप से के वो चलाया करते थे। सैन्य अफसरों को वो पद दिया जाता था, एक तरह का वो रैंकिंग हुआ करता था मनसबदारों का। तो वो मनसबदारों का विवरण इसमें मिलता है। साथ ही साथ धर्म गुरुओं, संगीतकारों और सूफियों की भी इसमें सूची मिलती है द्वितीय भाग में।
और जो तृतीय भाग है, तृतीय भाग आईने अकबरी का तीसरा जो भाग है वो कृषि संबंधी जानकारी दिया जाता है। इसमें कृषि से संबंधित जानकारी दी गई थी। तो भूमि किस प्रकार के थे, भूमि पर किस भूमि पर कितना लगान लिया जाता था, पोलोज भूमि, परती भूमि, चाचर भूमि जैसे भूमियों का भी विवरण दिया गया है, और किन भूमि में कितना लगान वसूलना है इसका भी विवरण दिया गया है, और आईने दहशाला जो टोडरमन ने प्रारंभ किया था, जो आईने दहशाला उसका भी विवरण इसमें मिलता है तृतीय भाग में। और इसमें जो उस समय के जो तत्युगीन मतलब उस समय के जो कृषि, खेत की जुताई, करों और कर की जो वसूली, इन सारे चीज़ों का विवरण है। साथ ही साथ राज और जमींदारों के संबंधों के बारे में भी उसमें जानकारियां दी गई है। और टोडरमल को अकबर ने, जो उनके नौ दरबारी मतलब नौ रत्नों में से एक रत्न थे, टोडरमल को ही ये जिम्मा दिया गया था। तो भू राजस्व लेकर के कृषि से सारे चीज़ों पर सुधार करने का उत्तरदायित्व टोडरमल पर ही था, और टोडरमल के का ही विवरण और खेती जुताई कर से संबंधित सारे चीज़ों का विवरण आईने अकबरी के तृतीय भाग से पता चलता है। और जो चतुर्थ भाग है, चतुर्थ भाग में जो आईने अकबरी का जो चौथा भाग है, उस चतुर्थ भाग में हिंदुओं के विभिन्न जो विचारधाराएं थे, धाराएं थे, उन सारे चीज़ों का विवरण इसमें दिया गया है। जो भी विचारधाराएं थे, धाराएं थी उन हिंदू धर्म में, उनका विवरण दिया गया है चतुर्थ भाग में। और साथ ही साथ नक्षत्र विद्या, जो ग्रह पिंड जो चीज़ें हुआ करती है, उन सारे चीज़ों का भी विवरण दिया गया है। जैसे कि आज ज्योतिष के आधार पर जो नक्षत्र के द्वारा, चांद तारों के द्वारा ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारियां दिया जाता है, उनका विवरण इस चतुर्थ भाग में दिया गया है। और विद्या चिकित्सा से संबंधित जो सारे चीज़ें घटनाक्रम थे, उन सारे चीज़ों का भी विवरण इसमें मिलता है। साथ ही साथ दर्शन और उनकी प्रथाओं का भी विवरण मिलता है। यानी कि हिंदुओं का जो नक्षत्र विद्या थे, चिकित्सा थे, दर्शन थे, उनकी प्रथाओं का भी विवरण दिया गया है। यानी हिंदू धर्म से संबंधित जो भी नक्षत्र विद्या धाराएँ, विचारधाराएँ थी, चिकित्सा से संबंधित जो भी जानकारियां थी, उन सारे चीज़ों का विवरण इसमें दिया गया है। साथ ही साथ कुछ भक्ति भक्त संतों का भी विवरण दिया गया है। कुछ भक्त संत जो हुआ करते थे, उन संतों का भी विवरण है। साथ ही साथ सूफियों की जीवनियां भी इस चतुर्थ भाग में दिया गया है। और जो अंतिम आता है, जो आईने अकबरी का जो पाँचवा भाग है, वो पाँचवें भाग में अकबर की जो भी सुक्तियाँ है या किंवदंतियाँ है, आदर्श है, वो सारे चीज़ों का विवरण इसमें दिया गया है। साथ ही साथ जो अबुल फजल है, अबुल फजल का जो इसमें संक्षिप्त जीवनी भी उसमें सम्मिलित है आईने अकबरी के पाँचवें भाग में। मतलब अकबर से संबंधित जो भी घटनाक्रम है और उनसे संबंधित जो भी किंवदंतियां हैं, आदर्श है, नियम है, व्यवस्था है, और साथ ही साथ अबुल फजल के जीवनी का भी संक्षिप्त रूप में इसमें विवरण दिया गया है। ये इस प्रकार से आईने अकबरी पांच भागों में विभाजित है। प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग और पंचम भाग। इस पंचम भाग मतलब इसी पांचों को मिला करके एक पुस्तक बना, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये अकबर के काल को या मुगल काल को सही रूप से जानने का एक सबसे अच्छा और सबसे सटीक और सबसे कारगर पुस्तक के रूप में आईने अकबरी है। इस कारण से इसे मुगल गजेटियर की भी संज्ञा दी गई है। जो अकबरनामा है, अब इसको हम लोग संक्षिप्त से देखते हैं। जो अकबरनामा है, अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखी अकबरनामा, और अकबरनामा तीन भागों में विभाजित है, जिसमें अकबर के पूर्वजों से लेकर के अकबर के जन्म तथा अकबर के शासनकाल के 17वें वर्ष तक का विवरण है, और द्वितीय खंड में अकबर के शासनकाल के 17वें वर्ष से लेकर के 46वें यानी कि 1602 तक का इतिहास इसमें मिलता है, और तृतीय खंड ही आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो अकबरनामा का तृतीय भाग आईने अकबरी है, और आईने अकबरी पांच भागों में विभाजित है। प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ और पंचम में ये विभाजित है। तो इस प्रकार से आशा यह करते हैं कि इसके मदद से आपने आईने अकबरी को समझ लिया होगा, जान लिया होगा।